आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, और वो भी बहुत आसान तरीके से। हमेशा क्या है, मैं पहले मटर पनीर की सब्जी बनाती थी तो वैसे पहले उसको प्याज और सब चीज़ें पहले फ्राई करके, पर आज मैं बना रही हूँ बहुत इंस्टेंट जो बनाते हैं ना झटपट। अगर आपके यहाँ कोई भी आ जाता है तो आपको मटर पनीर की सब्जी खानी है तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये अदरक और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट। डालूंगी एक ऐसी चीज जिससे कि हमारा जो इस पनीर का टेस्ट है ना बिल्कुल ढाबे स्टाइल आएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच बेसन। इसी समय जब हम ये अदरक और हरी मिर्च का वो हरी मिर्च भून रहे होंगे ऐसे भी इसके साथ ही भून लेते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट इसी के साथ अच्छे से भून लेते हैं इस तरह से चलाते हुए, जिससे कि बेसन का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। इससे क्या है, हमारी एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और उसका जो उसमें इसका सौंधा सौंधापन रहता है ना बेसन का वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं इसे लो फ्लेम पर भून लेती हूँ। ये बेसन अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मैंने 1 बड़े साइज की प्याज, इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देती हूँ। मीडियम आंच पे अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो प्याज है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून गई है बिल्कुल, और इसने पैन भी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारी प्याज अच्छे से भून गई है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे ये मैंने 2 टमाटर का इस तरह से ना प्यूरी सी बना ली है, ये डाल देती हूँ। अब ये देखिए टमाटर के साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड कर लेती हूँ इसी समय। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं, अगर इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे तो हमारे टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या है, इसका कलर अच्छा आएगा। और अब इसे लो फ्लेम पे अच्छे से हम पका लेते हैं जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता हमारा मसाला। अब ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी के लगभग हरी वाली मटर, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 गिलास के लगभग पानी। और पानी मैंने उबला हुआ लिया है क्योंकि उबला हुआ पानी से इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा आता है, नहीं तो कच्चा अगर हम बिना उबला पानी डालते हैं ना तो उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता इसका। अब इसे हम ढक के 5 मिनट पका लेते हैं अच्छे से, जिससे कि हमारी मटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने बिना काजू और बिना किसी तरह से कोई भी चीज़ यूज करी है, और इस तरह से आप बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हमेशा मैं जब भी ऐसी ग्रेवी बनाती हूँ काजू डालती हूँ, और आप एक बार इस तरह से ट्राई करें। अब इसे हम इसे मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर, और बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हमारा ये मसाला और मटर भी अच्छे से गल गई है। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी परफेक्ट हुई है इसकी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मैंने लिया 250 ग्राम पनीर, इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, इसे डाल देती हूँ। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ी पतली कर सकते हैं, वैसे इतनी गाढ़ी बिल्कुल परफेक्ट है ये। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, फटाफट बन जाता है। अब इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पनीर फिर ज़्यादा देर तक पकाते हैं ना तो वो थोड़ा सा खिंचने सा लगता है, और उसका टेस्ट भी उतना हेल्पफुल नहीं रहता है क्योंकि जो पनीर ज़्यादा हम वैसा पका लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट इसी तरह से हम खुले में पका लेते हैं, और फिर हमारा पनीर बन के तैयार है। हमारा इंस्टेंट बनने वाला
मटर पनीर बनके तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ।